बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड डे डियर स्टूडेंट्स। आई एम मिसेस रोजीना शारिक। आई वेलकम यू इन माय ऑनलाइन लेसन ऑफ इस्लामियात। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड फिट। मे अल्लाह पाक ब्लेस यू ऑल विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस, आमीन। टुडेज लेसन इज यूनिट नंबर 6, प्रीचिंग इस्लाम। Before coming to the topic, I just want a small recap, a short recap of unit number 5, which is linked with unit number 6. Unit number 5 was about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his early life and prophethood. Ki Huzur sallallahu alaihi wasallam ki zindagi kaisi thi, childhood kaisa tha, unki young life kaisi thi aur unko kaise prophethood mila. यू नो दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्र के बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनमें वो वाली आदत नहीं थी। वो शुरू ही से बड़े रिफाइंड करेक्टर के थे। इसी वजह से उनको यंग एज में उनको सादिक और अमीन का खिताब मिला। सादिक उनको मिला उनकी सच्चाई की वजह से, और अमीन का खिताब उनको मिला, अमीन का लक्का मिला उनको टाइटल उनकी जो है अमानत की वजह से, ईमानदारी की वजह से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू ही से अपने दौर के बच्चों से मुख्तलिफ थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनको अपने इर्द गिर्द जो मक्का के लोग थे और उनकी आदत उनको पसंद नहीं थी। मक्का के लोग झगड़ालू थे, वो जो है वो इमोरल थे, मीन्स उनमें वो अच्छी आदत नहीं थी, वो बुरी आदतों के मालिक थे और धोखा देते थे। और काबे में बहुत सारे बुत थे जिनकी वो पूजा करते थे, औरतों और गुलामों से बुरा सलूक करते थे और बेटियों को वो जिंदा होते ही ज़मीन में दफन कर देते थे। तो ये सब चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी लगती थी। तो वो वेस सोचते थे कि क्या करूँ उनको ठीक करने के लिए। तो वो गारे हिरा में मेडिटेशन के लिए जाते थे। वहीं पर उनको पहली वही नाजिल हुई, सूरह अलक की कुछ आयात उनके ऊपर नाजिल हुई और उनको नबूवत अदा की गई। फिर वो घर आए तो हज़रत खदीजा ने, उनकी बीवी जो है, उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया और वो अपनी एक कज़न के पास उनको ले गई जो कि क्रिश्चियन थे और तौरात और बाइबल को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो उन्होंने कहा कि ये वही एंजल है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर के पास आया करता था और उनको वही देता था। तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने जब नबूवत मिल गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया। पहली वही के कुछ अरसे बाद कोई वही नाजिल नहीं हुई। फिर दूसरी वही जो नाजिल हुई वो जो है सूरह अल मुदस्सिर की कुछ आयात थी, वो कुछ पहली वही के कुछ अरसे के बाद नाजिल हुई थी। अब नाउ कम टू द टॉपिक, दैट इज यूनिट नंबर 6 विच इज प्रीचिंग इस्लाम। इन दिस चैप्टर जब अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता कर दी, प्रॉफिटहुड अता कर दिया, तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाना शुरू किया। तो जो सबसे पहले जिन चार लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो कौन थे, दैट पैराग्राफ इज अबाउट इन्विटेशन टू इस्लाम। पीपल हु फर्स्ट एक्सेप्टेड इस्लाम, द हॉली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड कन्वेइंग अल्लाहस मैसेजेस आफ्टर गेटिंग प्रॉफिटहुड। At first, he preached Islam to those who were closest to him, such as his family and friends. सबसे पहले तो जाहिर है उन्होंने अपने करीब के लोगों से इस्लाम फैलाना शुरू किया। सबसे पहले his wife, आपको मैंने बताया unit number 5 में कि जब उनको prophethood दी गई तो सबसे पहले उनके ऊपर ईमान ही हज़रत खदीजा लाई कि आप बिल्कुल सच्चे हैं और आप बिल्कुल ठीक हैं। तो उनकी वाइफ हज़रत खदीजा, फिर उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड हज़रत अबू बकर ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। दोस्तों में सबसे पहले, जो फर्स्ट फ्रेंड में सबसे पहले हज़रत अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया। हिज़ यंग कज़िन हज़रत अली, उनके जो कज़िन थे चचा के बेटे हज़रत अबू तालिब के जो बेटे थे हज़रत अली, उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हिज़ स्लेव हज़रत ज़ैद बिन हारिस, और ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने इस्लाम कबूल किया। फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम फैलाना शुरू किया तो पहले सीक्रेटली लोगों ने खामोशी के साथ ही शुरू की, क्योंकि जाहिर है अगर ओपनली स्टार्ट कर देते एकदम तो लोग उनके दुश्मन बन जाते।
वो अपने दीन को इस तरह से छोड़ने को तैयार नहीं थे, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे इस तरह से, तो वो उनको ये सब चीज़ें अजीब लग रही थी। तो प्रीचिंग इस्लाम सीक्रेटली, प्रीच मीन फैलाना, तबलीग करना। इस्लाम स्प्रेड स्लोली एंड क्वाइटली फॉर 3 ईयर्स इन मक्का। सिंस मुस्लिम्स वर वेरी फ्यू इन नंबर, दे वर अफ्रेड टू प्रैक्टिस इस्लाम ओपनली। 3 ईयर्स तक मक्का में बहुत खामोशी के साथ इस्लाम फैला, क्योंकि मुसलमान बहुत थोड़े थे, तो वो इस्लाम को जो है वो मतलब वो जो इस्लाम के उस पर अमल, नमाज पढ़ना, ये सब कुछ करना, तो वो बहुत सीक्रेटली करते थे। दे ऑफर्ड देयर नमाज सीक्रेटली, ऑफन हाइडिंग देयर फेथ फ्रॉम देयर ओन फैमिली मेम्बर्स। वो अक्सर अपना जो वो छुपा रहे होते थे, इस्लाम तो कबूल कर लिया था लेकिन सारी फैमिलीज ने तो इस्लाम कबूल नहीं किया था, सारे फैमिली मेम्बर्स ने, तो वो उससे छुप कर इबादत किया करते थे। प्रीचिंग इस्लाम ओपनली, इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो कि ओपनली इस्लाम को फैलाएं, तो अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को ओपनली किस तरह फैलाना शुरू किया। आफ्टर 3 ईयर्स अल्लाह ऑर्डर्ड हिज प्रॉफिट टू प्रीच इस्लाम ओपनली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओबेड। एट फर्स्ट ही कॉल्ड अपॉन द पीपल ऑफ द ट्राइब ऑफ द कुरैश। सबसे पहले उन्होंने जो अपना कबीला कुरैश है उसके लोगों को किस तरह दावत दी। अर्ली इन द मॉर्निंग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लाइम्ड ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन ऑफ सफ़ा एंड कॉल द ट्राइब ऑफ कुरैश बाय देयर नेम्स। सुबह सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का के अंदर जो माउंटेन है सफ़ा, उसके ऊपर चढ़ गए और उन्होंने उन कुरैश के सरदारों को उनके नाम से बुलाना शुरू किया। व्हेन ऑल ऑफ देम केम आउट एंड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम ही आस्क्ड देम, जब सब के सब जमा हो गए वहाँ पर, तो उन्होंने उनको कहा, इनविट, उनको इस्लाम की बातें बताईं, इनवाइट किया इस्लाम की तरफ, इनविटेशन ऑफ इस्लाम टू द पीपल ऑफ कुरैश। वुड यू बिलीव व्हाट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू देम, would you believe me if I said there was an army on the other side of the mountain? They said yes we will. उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी एक फौज है दूसरी साइड पर, जो आर्मी है, फौज है, वो आ रही है, अगर आप मैं आपको कहूँ तो आप बिलीव कर लोगे? उन्होंने कहा यस वी विल, क्यों कर लेंगे, क्योंकि सबको पता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam then said, I call upon you to give up your worship of idols. अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपने बुतों की इबादत करना छोड़ दें। And to worship only one Allah, और सिर्फ अल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करें। He also said, फिर उन्होंने ये कहा, ये भी कहा, Allah's punishment will come to those who do not pay heed. अल्लाह ताला की का अजाब उन पर होगा जो कि उस इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, जो इसकी तामील नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला उनको सजा देगा। इस तरह से उन्होंने सबसे पहले पीपल ऑफ कुरैश को इस्लाम की दावत दी। अब जाहिर सी बात है उनके लिए तो ये चीज़, कुरैश के लोगों के लिए तो ये चीज़ एक नई चीज़ थी, वो उनको, वो अपना बाप दादा का दीन छोड़ना तो नहीं चाहते थे। तो रिएक्शन भी हुआ उसके के खिलाफ। रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑफ कुरैश क्या था? देवर एनॉयड, वो गुस्से में थे। देवर ऑल्सो वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में थे, बिकॉज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज आस्किंग देम टू लीव देयर गॉड्स, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि अपने खुदाओं को छोड़ दो। हिज अंकल अबू लहब इंसल्टेड हिम, उनके अंकल अबू लहब ने उनकी बहुत इंसल्ट किया। फॉर वेकिंग हिम अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह सुबह हमें सिर्फ इस बात के लिए जगा दिया। ऑल ऑफ देम लेफ्ट एंग्रीली इंसल्टिंग हिम एंड मेकिंग फन ऑफ, सब के सब चले गए, उनका मजाक उड़ाते हुए, उनको बुरा भला कहते हुए सब अपने घरों को वापस चले गए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने इनविटेशन ऑफ इस्लाम टू हिज फैमिली, अल्लाह ताला के हुक्म से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनवाइट किया अपने ख़ानदान के लोगों को। और वो कैसे इनवाइट किया? वन डे ही इनवाइटेड हिज होल फैमिली फॉर डिनर एंड गिव अल्लाहस मैसेज टू देम। He invited them to accept Islam and to give up the worship of stone idols. He said that there was a reward waiting for them in paradise and asked who would help him in this work. No one answered except Hazrat Ali. He said, though I am still very young, my eyes are sore and my legs are weak, but I will help you. Everyone laughed at him and made fun of both of them, but Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam all stood firm and accepted Islam.
सॉरी बट हजरत अली स्टूड फर्म एंड एक्सेप्टेड इस्लाम. वन डे ही इन्वाइटेड, उन्होंने क्या किया, एक एक दिन उन्होंने अपनी फैमिली को डिनर पर इन्वाइट किया और वहाँ पर अल्लाह ताला का पैगाम फैलाने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए उन्होंने उनको डिनर पर इन्वाइट किया और उनको बुला के कहा कि आप जो है कि एक आपके लिए जन्नत में जो है वो इनाम है, आपके लिए रिवॉर्ड है पैराडाइज में, जन्नत में, और कौन उनके साथ इस काम में साथ देगा. इस्लाम का पैगाम, इस्लाम फैलाया कि आप एक अल्लाह की इबादत करें, अपने गॉड्स को छोड़ दें और जन्नत में उनके लिए इनाम है. तो हज़रत अली जो कि किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन हज़रत अली जो उनके कज़िन थे, उन्होंने कहा कि मैं छोटा हूँ, 6 साल के थे सिर्फ, मेरी लेग्स वीक हैं बट मैं आपके साथ हूँ. तो सब ने उनका मजाक उड़ाया, हज़रत अली का और हुजूर का भी मजाक उड़ाया नाउज़ुबिल्लाह. और इसके बाद बट हज़रत अली ने एक्सेप्ट किया इस्लाम को, पहले हज़रत खदीजा ने किया, फिर देखें कि उनकी फैमिली में हज़रत अली ने एक्सेप्ट किया इस्लाम. दिस वॉज द लेक्चर अबाउट हाउ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच्ड इस्लाम ओपनली एंड सीक्रेटली. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड डियर स्टूडेंट्स. यूनिट नंबर, वेन वी विल go to unit number 7, there we will discuss and study about the hurdles and barriers in preaching Islam. So that's all from my side. Wish you best of luck. Thank you. A PDF will be given to you. 2 PDFs will be provided to you. 1 PDF would be dear students for that unit number 5 objective part. You will solve that objective part. These were in the form of short question answers and fill in the blanks, and you will copy these fill in the blanks and question answers into your notebooks. And the other PDF is about that preaching Islam unit number 6 question answers, subjective part and objective part both. So that is for your unit number week number 1 and 2. I will wait for your home task through WhatsApp. Allah Hafiz.